हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं फोर्ड मोंडियो का रिव्यू। तो बेसिकली 2019 में आपका डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन फिर फोर्ड ने थोड़ा टाइम लिया और उसको डिज़ाइन किया। तो बेसिकली जो इस कंट्री में डिज़ाइन हुई है वो है चाइना, मतलब वहीं के एक प्लांट में डिज़ाइन हुई है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंडिया में भी लॉन्च हो, क्योंकि फोर्ड कह रहे हैं कि जितनी भी बाहर की उनकी गाड़ियाँ वो सारी इंडिया लाएंगे हो, जैसे कि आपकी मैक ई भी इंडिया आने वाली है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कार है। सो चांसेस इसके भी काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं फोर्ड मोंडियो के, क्योंकि जिस सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट में सबसे सही फीचर इसी गाड़ी के हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एक बार चैनल का कंटेंट चेकआउट कर लेना। और आपसे एक बात कहनी है, चैनल पे जो 99.1% बंदे हो अनसब्सक्राइब ने, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मतलब 5-10 व्यूज़ भी आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, 0.9 नहीं कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं फोर्ड मोंडियो से। तो पहले आप एक बार इसके लुक्स और फीचर को देख के ना, आप एक बार इसका प्राइस कमेंट डाउन कर देना अपने हिसाब से, फिर प्राइस आप लास्ट वाली वीडियो में देख लेना। सो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आपको इसमें फर्स्ट एंड सेगमेंट मिलते हैं, जिसमें आपको 3-3 डिस्प्लेज मिलती है इंटीरियर में। लिटरली एक को ड्राइवर सीट में भी एक डिस्प्ले है, जो काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब इस सेगमेंट में तो कोई भी ऑफर नहीं करता है आपको। आपको इसमें फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब एक एक्सयूवी 700 आते हैं जिसमें आपको फ्लश मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़े अलग टाइप के हैं, उसमें थोड़े अलग टाइप के, उसमें टेस्ला वाले हैं, इसमें थोड़ा आपको टेस्ला की रोस्टर आती ना वैसा कुछ मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा सही है। आप एक बार इसके लुक्स देखो यार, कितनी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, शार्प LEDs हैं इसमें, फुल LED का ट्रीटमेंट है, और काफ़ी ज़्यादा मिनिमल यूज़ किया है इसमें क्रोम का, जो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। पीछे वाइज भी छोटा सा एक स्पॉइलर दे रखा है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी इसको बनाता है अपने सेगमेंट में। आगे की तरफ में पूरी पियानो ग्रिल मिलती है, जो सही लगती है यार लुक्स के मामले में। हुड में आपको थोड़े बहुत कट्स एंड क्रीज मिलते हैं, पीछे आपको पियानो स्पॉइलर मिलता है छोटा सा, जो सही लगता है। पीछे आपको बहुत ही मिनिमल और पतली सी टेल लाइट्स मिलती है, और आपको इसमें ब्लैक का यूज़ ज़्यादा करा गया है, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है ना, इसका ST लाइन है, जो इसका एक स्पोर्टियर वेरिएंट आता है, लेकिन जो इसका बेस वेरिएंट, इसका बेस वेरिएंट ही आएगा इंडिया में, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई प्राइस में कोई भी सेडान ऑफर नहीं करेगा, मतलब लेना नहीं चाहेगा कोई भी। ज़्यादातर आप XUV 700 या मतलब समझ रहे ना, 7-सीटर में जाना चाहेंगे। इंटीरियर वाइज आप अगर ST लाइन इसका लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आपको रेड की एम्ब्रॉयडरी मिलती है हर एक पार्ट्स में AC में, जो बहुत सही लगता है। 17 इंच के ओला इसमें स्टैंडर्ड मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। मैक्स टू मैक्स इसके जाएंगे आपके 19 इंचेस के, लेकिन मैक्स वाला वेरियंट ही लॉन्च हो इंडिया में तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में आता है, $54,000 का। तो मैं होप कर रहा हूँ कि बेस वेरियंट आ जाए। तो बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स से, जो इसकी लेंथ रहने वाली है वो आपको सबसे लंबी रहने वाली है इस सेगमेंट में, जो गाड़ी आती है लास्ट में देखना। जो इसकी लेंथ है वो आपकी 4873 mm है, विड्थ इसकी 1852 mm है, और जो इसकी हाइट रहने वाली है 1470 mm की रहने वाली है। जो इसका व्हील बेस होगा वो 2850 mm का रहने वाला है। तो जो इसकी लेंथ और हाइट है ना, वो इस सेगमेंट में सबसे बड़ी है, मतलब जो स्कॉडा सुपर्ब आती है ना, उससे ज़्यादा बड़ी है। सो आप देख सकते हैं जो इसका वेरियंट इंडिया में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लॉन्च हो बेस वेरियंट, वो आपको होगा एम्बिएंट पेट्रोल हैचबैक सेडान, पेट्रोल में आने वाली है। आपको इसमें रूफ जो मिलती है ना, कूप स्टाइल की मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, और इसमें आपको XUV 700 के एक्सेंट मिलते हैं, क्योंकि आप जो इसके पेट्रोल वाली साइड का लिड देखेंगे वो बिल्कुल XUV 700 जैसा ही है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, लेकिन XUV यहाँ पहले से बनी थी, ठीक है, ऐसा मत सोचना। तो बात कर लेते हैं इसके कैपेसिटी की। सीटिंग इसमें आपको 5 की मिल जाएगी अच्छी खासी, मतलब 5 बंदे बैठ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी गाड़ी है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 62 लीटर्स की रहने वाली है। जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी एक्सपेक्टेड है कि 187 से लेकर 237 BHP के बीच में मिलेगी। सो अगर 180 भी मिले तो बहुत इनफ है यार, मोर देन इनफ है। जो इसका टॉर्क होगा वो आपको एक्सपेक्टेड है कि 345 न्यूटन मीटर से लेकर 400 न्यूटन मीटर तक आपको इसमें टॉर्क मिल सकता है। पेट्रोल इंजन में ही ये लॉन्च होगी इंडिया में बेसिकली, और होनी भी चाहिए। तो आपको इसमें एडजस्टेबल स्टेयरिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। ट्रांसमिशन इसका आपको ऑटोमेटिक रहने वाला है, जिसका ड्राइव ट्रेन रहेगा वो आपका फ्रंट व्हील ड्राइव का होगा, ना कि रियर व्हील का। और जो इसमें 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिलेगा। 17 इंच के आपको इसमें अलॉय मिलेंगे, जिसका टायर साइज रहने वाला है 235/50R17 का। सो बात कर लेते हैं कुछ थोड़े बहुत स्पेक्स की। आपको इसमें जैसे एम्बिएंट लाइटिंग मिलने वाली है, आपको इसमें 4 सिलेंडर का इंजन मिलेगा, जो होगा 2 लीटर का इंजन होने वाला है, जो आपको इतनी पावर निकाल के दे देगा। सो ओवरऑल अगर मैं इसके लुक्स और प्रोफाइल की बात करूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगी ये गाड़ी। हाँ, आपको अगर इसमें थोड़ा सा प्राइस का डी ग्रेड मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जिस प्राइस में आ रही है वो आपका
$37,000 है, जो आपका अराउंड अराउंड 27 लाख का चले जाता है। तो 27 लाख वाले प्राइस में आपको इंडिया में सिर्फ एक ही सेडान मिलती है, जो स्कॉडा की सुपर्ब है। बेसिकली मेरे को पर्सनली ये स्कॉडा सुपर्ब से ज़्यादा अच्छी लगी, जिसमें आपको फ्लश डोर हैंडल मिलते हैं, कूपे वाली रूफलाइन मिलती है, उससे ज़्यादा लंबी लेंथ मिलती है, थोड़ी बहुत स्पोर्टी लुक मिलती है, और इंडिया में आपको 3 स्क्रीन मिलती है, लेकिन बेस वाले में 3 तो नहीं, आई होप कि वो 2 दे दें अच्छी खासी, तो वही बेटर है। सो ये था यार आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ आप पहले का एक बार कंटेंट ना जरूर से चेकआउट कर लेना, अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अब बात कर लेते हैं इसका कॉम्पिटिटर कौन है। कॉम्पिटिटर आपको बता दिया स्कॉडा सुपर्ब, तो आपके सामने आ रही होंगी 2 गाड़ियाँ, स्कॉडा सुपर्ब और अपनी फोर्ड। आपको बताना है कि आपको कौन सी अच्छी लगी, कमेंट करके बता देना। सो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सो टिल देन, बाय बाय।